जैसे कि आप जानते हैं शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड हमारे रनसू में जो भोले बाबा हैं उनका स्थान है, उससे रिलेटेड ही एक बोर्ड बना हुआ है। और इस बार कोई मुझे बताया गया है कि 15 साल के बाद ऐसा पर्व आया है जहाँ पर हमारा 2 महीने का श्रावण महीना जो है इस बार मनाया जा रहा है, और उसकी आध्यात्मिकता को देखते हुए या उसकी सिग्निफिकेंस को देखते हुए श्राइन बोर्ड ने एक फैसला लिया, डिसीजन लिया कि हम लोग इसको मनाएंगे। और हर सोमवार, इस बार 8 सोमवार पर है, जैसे कि आप जानते हैं कि श्रावण के महीने में ज़्यादातर 4 या 5 सोमवार होते हैं, इस बार 8 सोमवार होने हैं, और उसके 10 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक। और उसको देखते हुए हम लोगों ने एक इसको महोत्सव का नाम दिया है, शिवखोड़ी श्रावण महोत्सव इस साल, और एक छोटी सी एक शुरुआत करने की कोशिश की है ताकि जो लोग श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा से भोले बाबा के दर्शन करने आते हैं, और श्रावण के महीने में खासकर जैसे आप जानते हैं कि यात्रु जो है हमारे 3 गुने हो जाते हैं, और 10 से 12 हज़ार तो आज की डेट में यात्रु आ रहे हैं, और हमारे को ये उम्मीद है कि लोग और आएंगे, तो उनके लिए हम लोगों ने और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, चाहे हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स के, उधमपुर के, रजौरी के लोग जो बड़ी श्रद्धा से आते हैं, हर साल आते हैं, उनके लिए हमने एक एक्टिविटीज़ बहुत सारी प्लान की हैं हर सोमवार के। तो पहली जो इनॉग्रल हमारा जो डे रहेगा, सेरेमनी रहेगी, वो हम एक रेनाउंड सिंगर के साथ शुरुआत करेंगे, और उसको 10 जुलाई है, 6 से 9 का टाइम रहेगा, और ये शाम को ये सारी एक्टिविटीज़ हमने प्लान की है। उसके तहत ही अगले जो अगला सोमवार है जिसको 17 जुलाई कहते हैं, उस वक्त आप देखेंगे ड्रामास, कल्चरल एकेडमी को, टूरिज्म डिपार्टमेंट को हमने साथ में रोप इन किया है, और उनकी तरफ से बहुत सारे इवेंट्स होंगे। जो 17 जुलाई को शिवा की जो लाइफ एंड टीचिंग से रिलेटेड काफ़ी ड्रामास होंगे, ताकि लोग उनको रियल लाइफ में किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, उनकी सारी टीचिंग्स को दिखाई जाएंगी। 24 जुलाई को भजन कॉम्पिटिशन रखा हुआ है, जितने भी आर्टिस्ट्स हैं हमारे जम्मू डिवीज़न के या यूटी में, जगह जगह से वो आएंगे, और उनकी ऑडिशनिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगी कुछ दिनों में, और जिस दिन ये होगा उस दिन जो हमारे 8 शॉर्टलिस्ट होकर जो पार्टिसिपेंट्स आएंगे उनके बीच में से 3 जो है उनको सिलेक्ट किया जाएगा। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पर होने वाला है वो है 31 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक, ये 3:30 से 7 बजे के बीच में, 7:30 तक हम लोग एक कथा शिव पुराण के ऊपर जो कथा करवाएंगे, और उसके लिए हमारे कथावाचक हैं, हमारे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं प्रोफेसर मोली, उन्होंने एक कथावाचक जो हैं उनकी हमें नाम सजेस्ट किया है, और वो हमारे पास आएंगे, बैठेंगे वहाँ पर, और शिव पुराण का, क्योंकि शिव पुराण एक दिन में कंप्लीट नहीं हो सकती, इसलिए इसको हमने पूरे हफ्ते के प्रोग्राम में रखा हुआ है, और रोज़ वहाँ पे जो लोग आते हैं श्रद्धालु भी और वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वो बैठ के इसका कथा का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा जो 8 अगस्त जो रहेगा उसका जो अगर जो आगे जो मंडे है उसमें हम शिव जी की कहानी से रिलेटेड आपने कई डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, कई आपने सीरियल्स देखे हैं, तो कुछ इस तरह की उनकी जो स्पेसिफिक सीरियल्स में से कुछ एपिसोड्स उठाए जाएंगे जो बड़े रेलेवेंट हैं, सिग्निफिकेंट टू दी इंटायर जो शिव जी की जो लाइफ को पर्टेन करते हैं, उनकी टीचिंग्स को जो पर्टेन करते हैं उसको दर्शाने के लिए हम 2 घंटे का ये प्रोग्राम रखा करेंगे, LED पे उनकी स्क्रीनिंग करेंगे ताकि लोग वहाँ बैठकर उसको 2 घंटे बैठकर देख सकें, एक बड़े स्क्रीन पे देख सकें। 14 अगस्त में एक हमने पेंटिंग का कॉम्पिटिशन रखा है, बच्चों को बुलाया जाएगा और बच्चे वहाँ पर बैठ कर अपनी पेंटिंग्स, वेरियस लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ शिव जी से रिलेटेड ही जितनी भी होंगी उस पर अपनी आर्ट क्रिएशंस देंगे, और जो बेस्ट क्रिएशंस निकलेंगी उनको हम वहीं पे शिव शक्ति भवन में ही उनका क्या बोलते हैं डिपिक्शन करेंगे, वॉल्स पे उनका डिपिक्शन करेंगे। शाम को इवनिंग में 6 बजे से लेकर 9 बजे हमने जो भजन कॉम्पिटिशन उसका फाइनल जो है वो बनाया जाएगा। उसके बाद हमारा जो 21 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक हवन, आप जानते हैं कि ऊपर भवन में एक यज्ञशाला है, उस यज्ञशाला को ठीक कर रहे हैं और वही यज्ञशाला में ही ये ग्रैंड यज्ञ किया जाएगा, रुद्र यज्ञ जिसे बोलते हैं उसको
किया जाएगा और वो सारा दिन रहेगा। और हम लोगों ने ओपनली लोगों को इनवाइट किया है कि जो जो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो ज़रूर पार्टिसिपेट करें। और उस यज्ञ का, उसका जो लोगों को कहते हैं ना, वो जो फल मिलता है वो ज़रूर लें। उसके बाद हमारा आ जाता है लास्ट में, जो 28 अगस्त, ये जो लास्ट मंडे होगा, 8वां मंडे जिसको हम कहते हैं, ये हम कल्मिनेट करेंगे स्पेशल भजन कॉन्सेप्ट से। तो जो हमारे उसमें लोकल आर्टिस्ट्स हैं, सिंगर्स हैं यहाँ के, आप सभी जानते हैं, उनको बुलाया जाएगा, वो अपनी परफॉर्मेंस देंगे। और जो 3 विजेता, जो जीते हुए विजेता है हमारे भजन कॉन्सर्ट के, वो भी साथ में परफॉर्मेंस करेंगे। तो ये हमारी चेन ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जो हमने श्रावण महोत्सव में रखी हैं। और एक छोटी सी कोशिश है, एक शुरुआत है, शुरुआत करना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि भोले बाबा की कृपा से ये इवेंट्स अच्छे निकलेंगे। और अगर अच्छी, हमें अच्छा रिस्पांस मिला और लोगों को पसंद आया, तो ये एक एनुअल फीचर आपका बन गया। हम अपने